धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। यह बात मुझे डेरा सच्चा सौदा के एक जिम्मेवार सत ब्रह्मचारी सेवादार भाई सुमेर सिंह जी इंसाने एक बार सुनाई थी। उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले हजूर पिताजी के पास कुछ सत्संगी भाई कहीं से शेर का एक बच्चा लेकर आए थे। बेसुध नन्ना सा बच्चा था वह, पशु जाति में सबसे खूंखार जीव शेर के उस बच्चे में कोई ऐसी संस्कारी रूह समाई हुई थी जो एक मिन्नत की तरह सच्चे पातशाह जी के आगे अपनी गुप्त भाषा में अरदास प्रार्थना कर रही थी। क्या अर्ज हो सकती है उसकी, वो भला हम क्या जान सकते हैं। रविवार का तो माहवारी सत्संग था और सोमवार को किसी कारण मुझे गुफा में जाने का समय नहीं मिल सका। मंगलवार को मैं पूजा शहनशाह हजूर पिताजी से किसी काम के बारे पूछने के लिए गुफा में चला गया। शहनशाह जी गुफा में विराजमान थे और पास में एक सत ब्रह्मचारी सेवादार भाई खड़ा था। मैं सच्चे पातशाह जी को सजदा करके नीचे बैठ गया। मैं अभी पिताजी से बात कर ही रहा था कि इतने में शेर का वो बच्चा आ गया और पिताजी के पवित्र चरण कमलों में लेटने लगा। पिताजी ने अपनी जूती उतार कर एक तरफ रख दी और शेर के बच्चे को अपने चरणों से सहलाने लगे। जैसे जैसे पिताजी जोर से उसको अपने चरणों से सहलाते वो उतना ही खुश होता और अपने शरीर व चेहरे के विशेष संकेतों द्वारा अपनी खुशी को प्रकट करता। शेर का वो बच्चा पूज्य पिताजी की टांगों को अपने पंजों और बाजुओं से जकड़ने की कोशिश करता और पिताजी उस फुर्तीले जानवर को और जोर से सहलाए जा रहे थे। बड़ा ही आनंदमय नजारा था। इस तरह लगता था जैसे छोटा सा बच्चा और उसकी माँ दीन दुनिया से बेखबर होके कैसे एक दूसरे के साथ अज्ञात भाषा में बातें कर रहे थे। कोई दूसरा इंसान ममता में रचित उस स्नेहमयी उस रिश्ते को क्या समझ सकता है। पिताजी शेर के उस बच्चे के साथ इस तरह से व्यवहार कर रहे थे जैसे वो बच्चा सालों से पूज्य हजूर पिताजी के साथ रह रहा हो और बच्चा भी सच्चे पातशाह जी के साथ इस तरह हरकतें कर रहा था जैसे कई दिनों का बिछड़ा बच्चा अपनी माँ के साथ मिलकर
कैसे लिपट जाता है। कुछ समय बाद पिताजी ने शेर के उस बच्चे को कहा, जा अब सुमेर के पास जा। शहंशाह जी ने इतना कहा ही था कि शेर का वो बच्चा मेरे पास आ गया। मैं अपने हाथों से उसको सहलाने लगा और वो खुशी में मेरे साथ शरारतें करने लगा। पिताजी ने फरमाया कि यह कोई संस्कारी रूह है, इस जन्म से पहले यह इंसान था, उस समय इसमें बहुत बुराइयां थी, शराब पीना, मांस खाना और बुरे काम करना इसकी आदत थी। एक बार किसी जगह परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज का सत्संग था। इसने सोचा कि चलो संतों का सत्संग सुनना चाहिए। यह सोच के ये सत्संग की तरफ चल पड़ा, पर वे वहां पर लेट पहुंचा। सत्संग समाप्त हो चुका था। परम पिताजी नामदान देके अपनी गाड़ी में बैठकर चल पड़े थे। यह बिल्कुल उस समय ही पहुंचा। इसने उस समय केवल परम पिताजी की गाड़ी के ही दर्शन किए थे। इसके अंदर चाहत थी कि मैं भी संतों के दर्शन करता, सत्संग सुनता और नामदान प्राप्त करता, पर इसने बुराइयां नहीं छोड़ी। मांस खाता रहा, शराब पीता रहा, इसलिए मरण उपरांत इस जूनी में आया है। लेकिन प्रभु प्यार की दिली चाहत थी और पूजनीय परम पिताजी की गाड़ी के दर्शन भी किए थे। अब यह अपनी मृत्यु उपरांत सीधा शेर जूनी में आया है। भाई सुमेर सिंह जी इंसा ने बताया कि उस शेर के बच्चे में जो रूह थी उसे 84 से मुक्त करवाने के लिए मालिक ने उस रूह की दिली चाहत को जाया नहीं होने दिया। शेर की जूनी में उस जीव को अपना चरण स्पर्श प्राप्त करवाया। इसमें कोई शक नहीं कि उसकी मुक्ति ना हुई हो, क्योंकि शहंशाह मस्ताना जी महाराज के वचन हैं कि जिसने भी परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के पीठ पीछे भी दर्शन कर लिए वह 84 में नहीं जाएगा। पूजनीय हजूर पिताजी के आज से ये हमारा ही रूप हैं। जो जीव इनके साथ भेदभाव करेगा वो समझो हमारे साथ भेदभाव करता है। फिर बताओ पूर्ण फकीर का वचन टले तो टले कैसे। पूर्ण संतों में यह गुण होता है कि वो जो भी करते हैं उसके पीछे बड़ा कुछ छुपा होता है। पूर्ण मुर्शदे कामिल जिस तरफ भी देखते हैं उस
वायुमंडल में घूमते फिरते अनगिनत पक्षी परिंदों आदि सभी का मोक्ष वाली लाइन में लगना उतना ही संभव है जितना के आग को बुझाने के लिए उसके ऊपर पानी का डाला जाना है। पर इंसानी बुद्धि इंसान के अंदर ऐसे ख्याल पैदा करती है कि बारी थोड़ी सी खोखली तर्कपूर्ण शय अच्छे भले जुड़े हुए यकीन को तहस नहस करके रख देती है। बुद्धि यही विचार देती है कि सामने दिखाई देता संतों का वजूद और उनकी की जाने वाली मस्त निगाहें आम इंसान की तरह लगती हैं, फिर कैसे वे अपनी नजरें किसी जीव पर डालकर उसके लिए मोक्ष मुक्ति का राह पैदा कर सकती हैं। मनुष्य की बुद्धि द्वारा इजाद की हुई आधुनिक विज्ञान ने कई ऐसे हैरानीजनक तथ्यों की खोज की है कि साधारण लोग उनको सुनकर कभी यकीन नहीं करेंगे। इंसान ने अपनी बुद्धि के कमाल से प्रकाश की गति को किस तरह मापा होगा? दुनिया में आंखों द्वारा देखने वाली सबसे तेज रफ्तार चीज प्रकाश है, जो एक सेकंड में 3,00,000 किलोमीटर का सफर तय कर देती है। जिसने धरती प्रकाश और आकाश को बनाया है वे अपने देह स्वरूप की एक झलक देकर चाहे कितनों को भी भव सागर से पार कर देवे। अगर इंसान प्रकाश की गति को माप सकता है तो इंसान के अंदर महाविज्ञान फिट है। प्रकाश की गति से कितना ज्यादा तेज सफर इंसान अगर चाहे तो अपने खुद के अंदर ही कर सकता है। पूर्ण संत सतगुरु वह भेद बताते हैं जिसके साथ अंदरूनी सफर होता है। अंदर के सुपर विज्ञान के सामने बाहरी विज्ञान तुच्छ है। मनुष्य सूर्य से धरती तक के आधे सफर को भी तय नहीं कर सकता। पूर्ण फकीर कभी किसी को जाहिर तौर पर कोई चमत्कार नहीं दिखाते, पर जब उसके आशिक अपने प्रेम के आंसुओं के साथ उसे इतना मजबूर कर देते हैं कि महान सतगुरु फिर कुछ ऐसे अनुभव उसे करवाता है कि जिसके बारे में जान कर साधारण बुद्धि चकरा जाती है। ऐसे अनुभवों को कोई चमत्कार कहे या रूहानी करिश्मा कहे, ऐसा ही अपने अंदर मालिक का प्रेम रखने वाली कई रूहें जिनके अंदर अकथनीय मिन्नत उस समय बेशक पूरी ना हो पर भूतकाल में उनका मालिक के प्रति पैदा हुए ख्याल को आने वाले समय में मालिक को पूर्ण संत सतगुरु के वजूद में आकर पूरा करना पड़ता है। ये बात
लगभग 1977 के करीब की है। पूजनीय परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज गांव बिलासपुर जिला संगरूर पंजाब में सत्संग करने जा रहे थे। सत ब्रह्मचारी सेवादार बाबा मोहन सिंह जी शहनशाही जीप को चला रहे थे। रास्ते में गांव तल्लेवाल की नहर के पुल पर एक बैलगाड़ी वाला, जिसकी बैलगाड़ी के साथ दो बैल जुड़े हुए थे, बैलगाड़ी ले जा रहा था। पूजनीय परम पिताजी ने कुछ दूरी से ही बैलों को देखकर सत ब्रह्मचारी सेवादार मोहन सिंह जी को फरमाया कि भाई गाड़ी धीरे कर लो। कई बार मशीनरी से डरकर पशु बीच में टकरा जाता है। वहां से गाड़ी आगे निकल गई। कुछ समय बाद परम पिताजी ने आप ही वचन फरमाए, भाई फकीर की जिस भी आदमी जीव जंतु पशु पक्षी और वनस्पति पर नजर पड़ जाती है, या जिस भी वृक्ष का फल फकीर खाते हैं, या दातुन कर लेते हैं, या जिस गाय भैंस का दूध पीते हैं, उसकी 84 का चक्कर मालिक को काटना ही पड़ता है। मालिक समय आने पर ऐसे बहाने और संयोग पैदा करता है कि अपनी देह सब रूप में उन संस्कारी रूहों के साथ किसी समय अंदर ही अंदर किए वायदे पूरे करके उन्हें मोक्ष मुक्ति वाली लाइन में लगा देता है। ये सुप्रभ ज्ञान का एक तथ्य है। कोई इंसान चाहे यकीन करे चाहे ना करे, ये उसकी मर्जी है। अकल से ज्यादा काम लेने वाले ये बात कह देते हैं कि अपनी दृष्टि से किसी भी जिंदा वस्तु को भव सागर से पार कर देने वाला मालिक स्वरूप संत सतगुरु फिर सारी दुनिया को एक ही पल में मुक्ति क्यों नहीं दे देता। इस बारे में हजूर पिताजी के वचन हैं, एक साधारण इंसान को दुनिया में ज्यादा से ज्यादा 100-200 या 1000 लोग जानते होंगे। हर इंसान हर काम अपनी मर्जी से करता है। मालिक परमात्मा वाहेगुरु गॉड जिसको सारी दुनिया जानती है, क्या उसकी कोई मर्जी नहीं हो सकती? इसलिए वह अपनी मर्जी या रजा द्वारा सब कुछ चला रहा है। असंभव शब्द केवल इंसान के लिए ही बना है। मालिक सतगुरु के लिए सब कुछ संभव है। जिसके बारे में कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। एक हंसने वाली बात जो आम ही सुनाई जाती है कि कोई बेचारा केले बेच रहा था, उसकी टोकरी केलों के साथ भरी हुई थी। एक ग्राहक आया, उसने रेट ठीक लगाने की शर्त पर सारे केले खरीद लेने की इच्छा व्यक्त की।
इस पर उस केले बेचने वाले ने कहा कि भाई अगर सारे केले मैंने आपको ही बेच दिए तो बाकी सारा दिन मैं क्या बेचूंगा। इस तरह देखने में आ रहा है कि सृष्टि एक कर्म भूमि है जो कुल मालिक के इशारे या हुक्म में सिरजी गई है। पवित्र गुरबाणी में श्री गुरु नानक देव जी लिखते हैं, हुक्म अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई, सब उसके हुक्म में है। समुद्रों में जानलेवा तूफान और धरती पर भयानक भूकंप पैदा करने इत्यादि, ये सब उसके इशारे में है। जब एक पत्ता भी उसके हुक्म के बिना नहीं हिल सकता तो बड़े बड़े घटना चक्र उसके इशारे के बिना कैसे हो सकते हैं। कई बार राजस्थान जैसे इलाकों में जहां पानी ना होने के कारण जीव जंतु तड़प तड़प कर मर जाते हैं, वहां बारिश नहीं होती और समुद्र जो पानी का खजाना है वहां रिकॉर्ड तोड़ बारिश अक्सर होती रहती है। समुद्र में जहां बारिश के होने का कोई फायदा नहीं होता, वे मालिक चाहे तो रेगिस्तान में बर्फ गिरवा सकता है, चाहे तो लेह लद्दाख में भारी लू चला सकता है। ऐसी स्थितियों में बाहरी विज्ञान पूरी तरह से फेल है। उसी हुक्म करने वाले देह स्वरूप की नजरें जिसके ऊपर पड़ेंगी, वे कैसे ना 84 की दलदल से पार होंगी। नजरें तो दूर की बात रही, केवल ख्याल के साथ ही किसी भी जिंदा जागती चीज को सारे गमों से आजाद कर देना इस तरह है जैसे इंसान का आंख झपकते रहना। पूर्ण फकीर का दिल बहुत ही कोमल और दर्द से भरा होता है। वे अपने वायदे के पक्के होते हैं। समय आने पर वे ऐसा सब कुछ पैदा कर देते हैं जिसके साथ सदियों से बिछड़ी हुई संस्कारी रूहें अपने मालिक सतगुरु की नजरों में आ जाएं। पूर्ण फकीर ऐसा ढंग ऐसा सिस्टम पैदा करते हैं जिसकी समझ आम इंसान को उनके बताए बिना नहीं आ सकती। परम पिताजी के समय की बात है, मई जून का महीना था, दोपहर का समय था, आग बरस रही थी, यानी बहुत गर्मी थी, बहुत तेज धूप थी। पूज्या परम पिताजी शाह मस्ताना जी धाम की गुफा में विराजमान थे। प्रेमी कर्म सिंह जी झुंबा तथा कुछ और प्रेमी डेरे के प्रांगण में लगे बड़े नीम के नीचे बैठे थे। डेरे के पास सुख सागर कॉलोनी जो के बाद में बनी है के पिछली तरफ एक थेड़ था।
जहां परम पिताजी सुबह शाम सैर करने जाते थे। उस दिन तपती दोपहर में परम पिताजी गुफा से बाहर आए। प्रेमी कर्म सिंह व दो तीन प्रेमी भाग कर परम पिताजी के पास आ गए। परम पिताजी ने फरमाया कि चलो भाई, हम थेड़ पर सैर करके आते हैं। प्रेमियों ने सत वचन कहा और साथ चल दिए, पर अंदर सोचा कि परम पिताजी तो सुबह शाम को ही सैर करने जाते हैं, आज इतनी तेज धूप में सैर करने क्यों जा रहे हैं। जब शहंशाह जी डेरे के मेन गेट के पास आ गए तो अचानक बेगू गांव वाली तरफ से एक बहुत बड़ा रेवड़ आ रहा था, जिसमें लगभग 4000 भेड़ बकरियां होंगी। परम पिताजी प्रेमियों सहित वहीं पर खड़े हो गए। सारा झुंड पास से निकलता रहा। सच्चे पातशाह जी उस झुंड पर बड़ी तवज्जो से दृष्टि डाल रहे थे। जब सारा झुंड निकल गया तो कर्म सिंह ने आप से पूछ ही लिया, सच्चे पातशाह जी, आप जी तो थेड़ पर सैर करने के लिए कह रहे थे, अब वापस आ गए। इस पर परम पिताजी ने फरमाया, भाई ये भेड़ बकरियां कोई संस्कारी रूहें थी, जिनकी वजह से हमें इस समय बाहर आना पड़ा। उपरोक्त उदाहरण इस बात का सबूत है कि पूर्ण फकीर अपनी दया दृष्टि से इंसान तो क्या उन संस्कारी रूहों के बारे में भी ख्याल करता है, जिन रूहों का शरीर इंसान का गुलाम है। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा।